Hello everyone and welcome to my channel and in this video we'll be covering drivers of e-commerce और ये क्या है, ये बहुत important topic है, किसके लिए, आपके exam के लिए। तो drivers of e-commerce का question बहुत बार आपके paper में आता है, I have seen the paper of Delhi University and other universities as well, so that is why it is very important for us to understand कि driving force क्या drivers हैं e-commerce के। तो चलो let's start now, drivers of e-commerce, चलो let's start। ड्राइवर्स मतलब वो फोर्स जो हमारे को पुश करती है, हमारे को मोटिवेट करती है या प्रमोट करती है। किसको हम पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स को। तो फिर ई कॉमर्स को क्या क्या चीजें प्रमोट करती हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस, ओके चलो ठीक है, ओमनी प्रेजेंस, ओके, कंफर्ट, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, अफोर्डेबिलिटी इन डिजिटल एप्लीकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब फीचर्स, सोशल फ्रेंडली एप्लीकेशन, पब्लिक एक्सेस एंड स्पीड। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हमारे को ड्राइव करती हैं टूवर्ड्स ई कॉमर्स। द फर्स्ट वन इज डिजिटल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कन्वर्ज मतलब एक साथ आकर मिलना, मतलब दो अलग अलग चीजें या मल्टीपल चीजें एक साथ आकर मिलती हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ऑल द डिजिटल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स कैन कम्युनिकेट इजिली विद वन अनदर, दे आर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोथ। भाई हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है, एप्पल की क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं या किसी और कंपनी की भी हम क्लाउड स्टोरेज जब यूज करते हैं, उससे क्या होता है, जब हम फोटो खींचते हैं फोन से लैपटॉप में, वो क्लाउड खोलते हैं वहां पे भी आ जाती है, लैपटॉप पे भी आ गई, टैबलेट खोलते हैं वहां पर भी आ गई, हर जगह आ गई, कन्वर्ज कर रही है, एक साथ इंटीग्रेट हो रही है, जुड़ रही है, तो डिजिटल कन्वर्जेंस। तो सबसे पहली बड़ी, सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स क्या है भाई, लैपटॉप में खोलूं तो भी आ जाए, अमेजोन पे अगर आपको इस शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हो मोबाइल फोन से, लैपटॉप में खोलते हो सेम अमेजोन की एप्लीकेशन, तो वहां पे भी एडिड होती है नहीं होती है, तो दैट इज डिजिटल कन्वर्जेंस। बिकॉज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन ऑल द डिवाइसेज आर इंटरलिंक्ड विच प्रमोट ईज ऑफ यूज। भाई सारे डिवाइसेज इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इसकी वजह से इट इज वेरी मच हेल्पफुल। चलो आगे चलो, ओमनी प्रेजेंस। What is that? Omnipresence मतलब e-commerce is not restricted to any particular region or a specific timing. भाई किसी एक specific timing तक limited नहीं है, किसी एक region को cover नहीं करती। भाई रात को करो 2 बजे, सुबह करो 4 बजे, कितने बजे भी करो, ठीक है, आप morning में, afternoon में, late night, कभी भी आप order कर सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, browse कर सकते हो, और कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आप लेट सपोज दिल्ली में हो तभी आप उसको खरीद सकते हो या आप कहीं बाहर हो गए तो नहीं कर सकते। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ई कॉमर्स में। तो ओमनी प्रेजेंस मतलब आप कभी भी खरीद सकते हो, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, कभी भी कहीं पे भी सबके लिए, दैट इज व्हाट इज ई कॉमर्स का ओमनी प्रेजेंस। अगला क्या है, कंफर्ट। भाई कंफर्ट, ठीक है भाई, बहुत गर्मी है बाहर, मन नहीं कर रहा है, एसी में बैठ के आराम से हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, कुछ भी, जोमैटो से खाना मंगा सकते हो, अमेजोन से कुछ पार्सल ले सकते हो अपना फेवरेट जो भी आपको खरीदना है ना। इंटरनेट प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द कस्टमर एज दे कैन ऑर्डर गुड्स एनी टाइम ऑफ द डे, कहीं पे भी, कितने बजे भी, घर में बैठ के आप ऑर्डर दे सकते हो, कंफर्ट ही तो है, हमें जाना नहीं है गर्मी में बाहर निकल के, वी डोंट हैव टू गो, सर्दियां हैं हमें नहीं जाना, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज लाइक नेट बैंकिंग एंड UPI, तो ऑनलाइन पेमेंट भाई पैसे भी नहीं जाके देने, भाई घर में बैठ के ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पेटीएम से दे दो या अपने जो बैंक है जो भी आपका उससे पेमेंट कर दो, कम्फर्ट है। अब नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, भाई मेरे को प्रोडक्ट चाहिए मेरी पसंद का होना चाहिए, मैं ऐसा कोई कॉमन जो सबके लिए सेम है वो नहीं लेना चाहता, मेरे को ऐसा यूनिक प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे लिए डिजाइन किया हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कस्टमर्स कैन नाउ इजीली पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। भाई मुझे लैपटॉप चाहिए कौन सा वाला, उसमें i7 प्रोसेसर होना चाहिए, उसमें ग्राफिक कार्ड इतना GB का होना चाहिए, उसकी रैम 16 GB होनी चाहिए, मेरे हिसाब से चलो, आप जो मुझे बेचना चाहते मैं वो नहीं खरीदूंगा, जो मुझे चाहिए वो आप मेरे को बेचो, ठीक है। एग्जाम्पल yatra.com क्या करती है, yatra.com ने कस्टमाइजेबल पैकेजेस ऑफर किए कस्टमर्स को, एक पैकेज नहीं बनाते वो, अच्छा आपको बस से नहीं जाना, ठीक है आपके लिए कैब कर देते हैं, ठीक है चलो, अगर आपको चलो सिंगापुर में एक दिन और ऐड करना है और वहां सेंटोसा आइलैंड भी जाना है, ठीक है नो प्रॉब्लम, वी विल एड इट। तो कस्टमाइजेबल पैकेजेस सर आपके हिसाब से हम करना चाहते हैं, आप जो आपको जो पसंद है वो देंगे। आगे चलो, अफोर्डेबल डिजिटल डिवाइसेज, भाई बहुत महंगे तो नहीं है ना फोन, बहुत महंगे तो नहीं आते,
बहुत महंगे लैपटॉप नहीं है आज के डेट में, हर किसी के पास एक बेसिक फोन तो होता ही है जिससे सारी चीजें हो जाती है हमारी। ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, ज्यादा महंगे नहीं है। तो उसकी वजह से भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अफोर्डेबल डिजिटल डिवाइसेज लाइक पीसीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आर हाई कनेक्टिविटी, विद हाई कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट इट हैज मेड इट इजी फॉर द कस्टमर्स टू एक्सेस द इंटरनेट। भाई इंटरनेट एक्सेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, इतने अफोर्डेबल है, सब कोई यूज कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया प्रोमिसेज टू कनेक्ट होल ऑफ कंट्री विद द इंटरनेट। डिजिटल इंडिया जो हमारा कंट्री में डिजिटलाइजेशन चल रहा है, इस समय डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट है, उससे भी बहुत प्रमोट हुआ है। अफोर्डेबल फोन्स निकाले। वर्ल्ड वाइड वेब फीचर्स, ये क्या है? इट हैज अ ग्लोबल एंड अ सीमलेस एनवायरमेंट वेल इंटीग्रेटेड विद ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई आप अमेरिका में क्या चल रहा है, कुछ बाहर से मंगाना है, आउट ऑफ इंडिया से कुछ इम्पोर्ट करना है, ऑनलाइन आप क्लिक करके कर सकते हो। आपके पास वर्ल्ड वाइड एक्सेस है, हर किसी कोने में दुनिया के कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, नेटफ्लिक्स की जब आप वो लेते हो मेंबरशिप, कहाँ पैसे देते हो? इंडिया में नहीं, यू आर पेइंग टू यूएस, तो यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो वी आर पेइंग टू यूएस, सो वर्ल्ड वाइड एक्सेस। आगे क्या है? यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। भाई कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इंटरनेट पे google.com खोलना, वेब ब्राउजर खोल के www.google.com लिख के अपनी पसंद की चीज को सर्च कर सकते हैं वहां पे। ब्राउजर डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज। भाई कोई भी क्लिक करके ब्राउजर खोल के कुछ भी टाइप करके अपनी पसंद का दे कैन सी, दे कैन ऑर्डर, दे कैन लुक फॉर इट। हेंस इट कैन बी इजी, इट कैन बी इजीली यूज्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर पब्लिक एक्सेस। पब्लिक एक्सेस, ठीक है, तो पब्लिक एक्सेस, एवरीवन हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, तो हर कोई हर चीज देख सकता है। जो आप पढ़ सकते हो वो आप शेयर कर सकते हो और सब कोई खोल सकते हैं। टुडे ऑलमोस्ट एवरी रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी शॉप, यूनिवर्सिटी कैंपस, एयरपोर्ट एंड होटल गिव एक्सेस टू इंटरनेट। भाई फ्री वाईफाई लिखा होता है ना रेस्टोरेंट्स के बाहर, या फिर होटल्स में देते हैं आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी, तो दैट इज व्हाट इज ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। Hence, accessibility is anywhere and anytime. ठीक है, अब तो दिल्ली में भी हमारे फ्री वाईफाई आ गए है ना, तो कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी वी कैन एक्सेस। स्पीड एंड रिड्यूस टाइम। भाई लाइनों में लगना पसंद था आप लोगों को? लाइनों में लगना पसंद था किसी को? नहीं, बिल बिजली के बिल देने के लिए ना इतने इतने लंबे लाइनों में लगते थे लोग, दो दो घंटे लाइनों में लगते थे हर महीने, पानी के लिए भी इतना ही। आजकल क्या है, पेटीएम खोलो, पे ऑनलाइन और अपना बिजली का बिल दे दो, पानी का बिल दे दो, गैस पाइपलाइन का भी बिल दे सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग एंड पेमेंट फैसिलिटीज हैव रिड्यूस टाइम। ठीक है, अर्लियर पीपल यूज टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज फॉर बुकिंग, नाउ एवरीथिंग कैन बी बुक्ड ऑनलाइन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स कि भाई स्पीड बढ़ गई है, हम जल्दी से क्लिक करके हम पेमेंट भी ऑनलाइन कर देंगे, लाइनों में भी नहीं लगना, ऑर्डर भी कर देंगे, घर आ जाएगा अपने आप डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट। तो दैट इज वॉट इज रिड्यूस टाइम एंड स्पीड हैज इंक्रीज। सो थैंक यू सो मच गाइज, छोटी सी वीडियो बनाई है जानबूझ के ताकि आपको जल्दी से समझा सकूं मैं। Okay guys, we'll meet in the next video very soon. Thank you so much.